आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी निरसा प्रखंड अंतर्गत बाघा बांध पंचायत के बाघा बांध गांव में जिला परिषद मद से लगभग 20 लाख की लागत से बनने वाले 2000 स्क्वायर फीट पीसीसी सड़क का शिलान्यास निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता एवं जिप सदस्य मिथुन रोहिदास ने संयुक्त रूप से फीता काट कर एवं नारियल फोड़ कर किया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि गुहिराम साहनी, राणा प्रताप, राजीव सिंह एवं ग्रामीण उपस्थित थे। निरसा से मलय गोप की रिपोर्ट। काफी लंबे समय से यहाँ सड़क का अभाव था, लोगों को काफी परेशानी होती थी और खासकर जो गर्भवती महिलाएं रहती थी उनको ले जाने में असुविधा होती थी। आज आप लोगों की पहल पर इस रोड का शिलान्यास किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये बहुत खुशी की बात है कि ये लगातार बहुत दिन से इस रोड का हम लोग का प्रयास रहा, हम लोग का, क्योंकि आए दिन हम लोग भी देखते थे कोई भी काम में, कोई भी शादी ब्याह हो या कोई भी काम में हम लोग को इस गांव आना पड़ता था। और बहुत इस रोड खराब होने के चलते जो पेशेंट को ले जाता था बहुत परेशानी होता था। तो ये सब को देखते हुए बहुत खुशी की बात है कि जिला परिषद से मिथुन जी के माध्यम से ये रोड आज शिलान्यास हुआ, बनने के लिए ये आज शिलान्यास हुआ। और हम भी जब से विधायक बने हैं लगातार मेरा भी प्रयास रहा कि ये रोड जितना जल्द और जितना अच्छा से बना पाए, ये हम लोग का जनता का भी डिमांड था कि बहुत लंबा समय से हम लोग का ये गांव वाला का मांग था कि ये रोड बनना चाहिए और सही में बनना चाहिए था, क्योंकि इस रोड का जो स्थिति हम लोग देखे हैं बहुत असुविधा हो रहा था। तो बहुत खुशी की बात है और हम भागाबान गांव बोल्डी और भांगासाल का जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि और जो बाकी काम है और जो बाकी काम विकास से जनता से जुड़ा हुआ जो विकास का काम है वो काम हम लोग सब मिलके, यहाँ मुखिया जी हैं, जिला परिषद हैं, अभी इन लोग का समय समाप्त हो रहा है लेकिन समय समाप्त हो फिर चुनाव आ रहा है और हम लोग सब मिलके जो इस क्षेत्र का विकास है, विशेष करके हम बोलेंगे निरसा विधानसभा का जो भी विकास है, रोड हो, पुल पुलिया हो या पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जनता से जुड़ा हुआ जो भी समस्या है उसे हम लोग समाधान करेंगे, ये हम लोग संकल्प ले चुके हैं विधानसभा चुनाव के समय ही। धन्यवाद। सबसे पहले हम भागाबंद गांव आए तब हम कुछ नहीं जानते थे, भागाबंद गांव आए तो भागाबंद वासी पूरा पंचायत हमको बहुत अच्छा से आशीर्वाद दिया जिसके बदौलत हम जिला परिषद बने पूरा निरसा क्षेत्र के बदौलत। और मेरा सपना था कि ये रोड पूरा करेंगे, आज 3 साल से ये रोड लेकर हम प्रयास कर रहे थे कि ये रोड कैसे बने लेकिन कुछ तकनीकी कारण से डीसी के कारण से नहीं हो पाया, तब ये रोड हम सफल कर पाए और आज इसका शांतिपूर्वक शिलान्यास भी कर दिए हैं। लेकिन ये रोड जो है 3 ग्रुप में बांटा गया, जैसे पहला ग्रुप को 200 फीट मिला, इसके बाद ग्रुप को जो धनबाद का पार्टी है उसको 700 फीट मिला और डीएमटी से मिला है 1100 फीट। टोटल 2000 स्क्वायर फीट ये रोड बनेगा जिसे भागाबंद का लोगों को इस रोड बन जाने से काफी सुविधा मिल जाएगा। यहाँ ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर जैसे पेशेंट जाने के लिए ऐसा स्थिति था कि पेशेंट बढ़िया से नहीं जा पाते, तो आज जैसे हम भागाबंद का लोगों को एक हम मान लीजिए कि अपना जो ये है कि अपना मतलब कर्ज हम यहाँ पर निभाने आए हैं बस, और हम चाहेंगे कि ये रोड का सुविधा भागाबंद के लोगों को मिले और आए दिन अगर हम पूर्व में अगर जीत के आते हैं तो फिर हम तो। और कुछ मतलब करने के लिए सोच जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं हम लोग तो गांव गली शहर सबको ठीक बनाना चाहिए था, लेकिन आज 4 से 5 बार करीब 25 साल से पहले हम लोग जूझ रहे थे इसमें मेटल बैठा हुआ था, लेकिन जो प्रतिनिधि आया उसको हम लोग पूरा एकदम तार दिन से बोले थे देखिए ये रोड बना दीजिए, हम लोग यहाँ 5 वार्ड है, 2000 से 4000 आबादी है तो इसको बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा प्रतिनिधि पहले से चुने थे हम लोग जो हम लोग का दुख दर्द कुछ सुनता ही नहीं। आज जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, जब जिला परिषद यहाँ हम लोग को चुने थे तो वो कैसे हमको समझ लिया जो हमारा यहाँ तकलीफ हो रहा था वो आज बना रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत आनंदित